हाय एवरीवन, वेलकम टू बायो लर्निंग पॉइंट। मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा। सो गाइस, जॉइंट सीएसआईआर जीसी ने दिसंबर 2022 एंड जून 2023 का जो कंबाइन एग्जामिनेशन था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और नहीं अच्छा गया तो आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में सोचें, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन दिस एग्ज़ामिनेशन। सो एग्ज़ाम के बाद ये सबसे बड़ा जो हमारा वेट रहता है फॉर द हाउ मेनी मार्क्स यू आर स्कोरिंग एंड फॉर द आंसर की रिस्पॉन्स सीट, तो ये कब तक रिलीज़ किया जाएगा इसके रिगार्ड में ये वीडियो है, तो स्टे कनेक्टेड टिल लास्ट। और जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं प्रूफ के साथ बताऊंगी कि ये वीडियो किस बेसिस पे मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ। हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है, बट जो ट्रेंड्स जो प्रीवियसली एनटीए जिस तरीके की चीज़ें फॉलो अप करते आ रहे हैं उसके बेसिस पे ये चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। सो आफ्टर एग्जामिनेशन एक से दो वीक के बीच में जो रिस्पॉन्स सीट है और जो प्रोविजनल आंसर की है वो आप लोगों को रिलीज़ कर दिया जाता है। और उसका रीज़न ये है कि जो आपने एग्जामिनेशन के टाइम में जो सबमिट किया था मार्क रिस्पॉन्स, बट वही आपको एनटीए को आपके साथ शेयर करना है। और जो प्रोविजनल आंसर की होती है वो एग्ज़ाम का जब पेपर बनता है उसी के टाइम वो बन के आ जाता है, जो प्रोविजनली जो चीज़ें होती है कि रिगार्डिंग इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, तो इसीलिए इसे रिलीज़ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो आपके पास बहुत मतलब 1 to 2 वीक के अंदर ये सारा चीज़ रिलीज़ कर दिया जाता है, जैसे कि 1 वीक ऑलरेडी होने को है और दूसरे वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बाकी की चीज़ें होती है लाइक क्वेश्चन चैलेंज होते हैं, फिर एनालाइज होते हैं, देन वो जाके जो फाइनल आंसर की वाला जो सिस्टम होता है और स्कोर कार्ड वाला सिस्टम होता है, फिर जाके ये सारी चीज़ें होती है, और देन फिर फाइनल रिजल्ट आता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 to 3 वीक्स, कभी कभी मंथ का भी टाइम लग जाता है, बट प्रोविजनल आंसर की एंड जो स्कोर जो मार्क्स आप सॉरी जो रिस्पॉन्स सीट है उसको रिलीज़ करने में इतना वक्त नहीं लगता है, क्योंकि वो एज इट इज़ आपको शेयर किया जाता है। आई होप आप चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे किस बेसिस पे मैं ये चीज़ें कह रही हूँ। रेंडमली कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें नहीं कहती हूँ, या प्रीवियसली यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े होंगे तो जैसे कि डीबीटी के बारे में मैंने बताया था वैसे ही मैं इसके बारे में बता रही हूँ, और इसी तरीके से आपके सामने चीज़ें रखी जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, जो आपका आने वाला है अभी आंसर की एंड रिस्पॉन्स सीट, उससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी रहे और आप अच्छा स्कोर करें। यदि आप अच्छा नहीं स्कोर कर पाते हैं तो आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए लग जाए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन दिसंबर में होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइकिल जो है वो रेगुलर हो चुका है। सो स्टे कनेक्टेड विथ बायो लर्निंग पॉइंट रिगार्डिंग एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, आपके साथ अपडेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।